गुड मॉर्निंग राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा। और खांसी ठीक नहीं हो रही है। अभी बज रहे हैं 8:30 और चाय गर्म करके नीचे दे देती हूँ। बच्चे ऊपर आए नहीं, मैं भी नीचे देने नहीं गई, तो मैं चाय दे रही हूँ और बच्चों को दूध दे रही हूँ। तो आज पूर्णिमा है और आज जो है मैं 2 व्लॉग बनाऊंगी, सुबह से लेके लंच तक का और फिर लंच के बाद से इवनिंग से लेके नाइट तक का। तो कितना बड़ा 30-35 मिनट का व्लॉग नहीं बन पाएगा, तो आज मैं 2 व्लॉग बनाऊंगी। तो अभी 8:30 बजे हैं और मैं किचन में हूँ। बस सब्जी काटना है, शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाना है, रोटी बनाऊंगी। सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनाऊंगी, दो सब्जी नहीं बनाऊंगी, कोई टाइम नहीं है। और आज मैं बनाऊंगी गुजिया, सूजी और मावा डाल के गुजिया बनाऊंगी। तो आप उसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, काफ़ी बहुत टेस्टी बनता है। और अगर हो सके तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी हो, कभी भी हो, जैसे मैं गुजिया बनाती हूँ उस टाइप से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। मेरे भैया, जब मम्मी जा रही थी ना, तो भैया मुझे फ़ोन करके बोला, कहता कि गुजिया बना के भेज दे। मैं कहा भैया पागल उगल हो क्या, अभी बोल रहे हो 2 घंटे पहले गुजिया बना के भेज दो, पहले बोलते तो मैं सारा अरेंजमेंट भी कर लेती, अच्छा अच्छे से बना कर भेजती। तो मेरे भैया को मेरे हाथ की गुजिया बहुत पसंद है। चलो नेक्स्ट टाइम जब भी लुधियाना गई तो फिर मैं ले जाऊंगी बनाकर। फिलहाल चले कर लेते हैं थोड़ा सा काम और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मेरे कान्हा आज कैसे लग रहे हैं। और पूर्णिमा की पूजा करूंगी ना शाम को, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं किस टाइप से मेरे कान्हा की पूजा करती हूँ। अभी तक आयशा नहीं आई, आयशा को मैंने बुलाया था कि जल्दी आ जाना, अभी तक नहीं आई है। आएगी तो उसको शाम तक रखूंगी, मुझे उसकी हेल्प चाहिए आज। और जैसे कि आपको पता है कि मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ और नहाने के बाद मैंने ये लिपस्टिक लगाई है और ये बिंदी लगाई। तो चलिए मैं चाय देकर आती हूँ नीचे और बच्चों को दूध दे देती हूँ, फिर उसके बाद जो भी रेसिपी है गुजिया की वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। और ये देखिए मेरे कान्हा को, मैंने आपको बोला था ना मैं दिखाऊंगी, तो ये देखिए मेरे कान्हा होली खेले हैं। वैसे पूर्णिमा के दिन भी कान्हा को गुलाल लगाना चाहिए, अबीर लगाना चाहिए, तो मैंने इनको लगाया है अबीर, हल्का हल्का ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया है। और जितने भी मेरे भगवान हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी को मैंने अभी स्नान करवा दिया, शाम को मैं नहीं करवाऊंगी, सिर्फ बस आसन में बिठा कर पूजा कर लूँगी पूर्णिमा की। और आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ मेरे कन्हैया को। और इन्होंने चांदी की ज्वेलरी पहन रखी है, ये जो गले में है और हाथ में है, और बांसुरी चांदी का मैंने इनके लिए बनवाया था। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरे कान्हा कैसे लगते हैं। और मैंने कान्हा को गुलाल दिया है खेलने के लिए, कल भी मैं कान्हा को बैलून वगैरह सारा कुछ दूंगी, तो वो अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मेरे कन्हैया की, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखो कौन आया है, मेरी सोमिया बाबू आई है, दिखाना था। एक दांत चूहा लेकर भाग गया, चूहा लेकर भागा। कहाँ खाई, कब आई, कल रात को। तो अब आई है ना सौम्या, तो अब ये बच्चे सब बहुत मस्ती करेंगे दोनों। ये तो कल से ही होली खेल रहा है, अब सौम्या भी आ गई तो ये भी होली खेलेगी। होली खेलना है मम्मी, ठीक है दीदी। दीदी तो अभी तक सो ही नहीं बोलेगी ये कैमरे के आगे, क्योंकि चूहा दांत लेकर भाग गया ना, चूहा को पकड़ी नहीं, चूहा दांत लेकर भाग गया तो जा के लो। हैप्पी होली बोल दो सबको, हैप्पी होली। बच्चों की होली तो 2 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। आज पता नहीं मेरा कब तक काम खत्म होगा, बहुत काम आज हो रखा है। मुझे मार्केट भी जाना है, लेकिन
ये बीज ना मैं निकाल देती हूँ, बीज कई लोग बीज डाल देते हैं, मैं निकाल देती हूँ बीज। अब जो भी काम हो पहले वैसे ना पता क्या आदत है, आराम से बैठी रहती हूँ बैठी रहती हूँ, जब देखती हूँ टाइम निकल रहा है तो फिर फटाफट वाला काम हो जाता है मेरा। काफी दिन का शिमला मिर्च है, बहुत दिन का रखा हुआ है, काटी नहीं, अब इसको काट लेती हूँ और बनाती हूँ सब्जी। खाना बनाती हूँ, फिर मार्केट जाना है, पूर्णिमा का जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो सब लेकर आना है। तो अभी 12:15 हो गए हैं और मैंने सभी तैयारी कर ली है, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या तैयारी की है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश और नारियल है, और इसमें से थोड़ा सा जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना वो मैं धनिया की पंजीरी के लिए रख दूंगी, जो कि सत्यनारायण भगवान की पूजा में धनिया की पंजीरी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के रख दूंगी, और थोड़े से काजू पुआ में डालने के लिए मैं रख दूंगी, और इलायची मुझे लाना है, इलायची चाट मसाला मुझे लाना है मार्केट से, मैं भूल गई। तो ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिया है, और नमकीन के लिए आटा भी गूंद लिया है, ये 10-15 मिनट से है ऐसे ही, तो बस थोड़ी देर में मैं इसको भी बनाना स्टार्ट करूँगी। सिंपल सा नमकीन बनाऊंगी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, यशवीर को ये बहुत पसंद है, तो सोचा चलो यही मौका है बना लिया जाए। ये हो गया और अब मैं गुजिया के लिए आटा बना लेती हूँ। मोयन में रिफाइंड, इससे जो गुजिया होता है ना वो काफी खस्ता बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो ये मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा अंदाजा देख लीजिएगा आप भी, और इसको मैं हाथ से अच्छे से मैश करूंगी ताकि जो भी रिफाइंड है अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए आटा गूंद गया और इसको मैं रख देती हूँ साइड में, नमकीन जब बन जाएगा ना तो उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी, तब तक 1-2 घंटे ही अपना अच्छे से रेस्ट हो जाएगा और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और इस पर मैं थोड़ा सा रिफाइंड लगा देती हूँ। थोड़ा सा रिफाइंड लगाने से ये ऊपर जो है ना ये ड्राई नहीं होगा जल्दी। मखाने को मैंने रोस्ट कर लिया, ये अच्छे से क्रंची हो गया है, और ये नमकीन बनकर तैयार है, बहुत ही खस्ता हुआ है, मतलब ऐसे करो ना ये टूट जाता है, इतना खस्ता हुआ है नमकीन। और अब मैं देसी घी डालकर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सभी को रोस्ट कर लूँगी, तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया है चाकू से, और इसको ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके डालने से ना गुजिया में क्रंचीनेस आता है, जब भी अंदर जो फीलिंग्स होता है ना वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कई लोग इसको फ्राई नहीं करते हैं बट मैं फ्राई करती हूँ, और अगर आप गुजिया बना रहे हैं ना तो इस तरह देसी घी में जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर रहे हैं, किशमिश को नहीं रोस्ट करना है, बाकी जो भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप ज़रूर रोस्ट कीजिए, एक अलग ही टेस्ट आता है गुजिया में। तो थोड़ा थोड़ा देसी घी यूज़ किया है, और ये है नारियल, नारियल गोला था इसको मैंने कस लिया था, तो वही है, इसको भी हल्का सा ही 10 सेकंड के लिए ही इसे मैंने भूंजा है। तो ये हो गया, अब इसमें मैं खोया डाल दूंगी, और खोया मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो फ्रिज में रखा हुआ था तो ये काफ़ी टाइट हो गया था, इसलिए मैंने गरम कढ़ाई में इसको डाल दिया कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसको फ्राई व्राई नहीं करना है, तो बस ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है। और सूजी को मैंने फ्राई कर लिया था, 1/2 किलो खोया में 100 ग्राम से 150 ग्राम सूजी बहुत होता है, 250 ग्राम भी डाल सकते हैं पर 100 ग्राम सूजी बहुत है, और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से, और ये
चीनी है, चीनी को मैंने मिक्सचर में ग्राइंड कर लिया था जिससे कि इसका पाउडर बन गया, क्योंकि यहाँ पे पिसा हुआ चीनी नहीं मिलता है इसलिए जो साफ चीनी होता है ना उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब मैं एक एक करके सभी गुजिया बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 3 साँचे हैं गुजिया का, तो इसी तरह मैं रख रख कर जितने भी गुजिया हैं मैं सभी तैयार कर लूँगी। और आयशा मेरी हेल्प कर रही है, तो यहाँ पर आयशा मेरी हेल्प कर रही है। और गुजिया को आपस में चिपकाने के लिए मैंने पानी का यूज़ किया है, आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं बट पानी से भी अच्छा चिपक जाता है। तो इसी तरह करके मैं सभी गुजिया बनाकर रख लूँगी और एक ही बारी सभी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फ्राई करने में जितना टाइम नहीं लगता जितना कि इसको फिलिंग करने में लगता है। तो इस करके सभी गुजिया को तैयार करके रख लूँगी और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। और ये मिक्सचर तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और टेस्टी मिक्सचर है ये। तो फ्रेंड इस तरह से आप एक बार ज़रूर गुजिया ट्राई कीजिएगा, मैदा और सूजी का बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्दी भी है टेस्टी भी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और टेस्टी इसलिए क्योंकि इसमें खोया है, ड्राई फ्रूट्स है, तो ये तो टेस्टी होगा ही। तो गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, अगर आप चाहे तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने रिफाइंड ऑयल ही यूज़ किया है। और फ्लेम को बिल्कुल ही सिम करके रखा है, अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो ये ऊपर ऊपर तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमेशा स्लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करें, इससे इसमें क्रंचीनेस भी आएगा और क्रिस्पी बनेगा और अंदर तक ये पक जाएगा। तो उसी तरह मैं सभी गुजिया गलकर निकाल लूँगी। और फ्रेंड मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मुझे खांसी हो रही है, इस करके आवाज़ बीच बीच में अजीब सा हो रहा है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए गुजिया बनकर कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है, और देखिए मैंने तोड़कर भी आपको दिखा दिया, ये कितना बढ़िया लग रहा है देखने में और उतना ही टेस्टी भी है। हेलो दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी 4 बजे कितने घंटे लग गया, मतलब 2-3 घंटे लग गए बनाने में नमकीन और गुजिया, और काफ़ी थकावट हो रखी है। तो थोड़ा सा ना आटा मैंने बोला रख देने के लिए, मन नहीं कर रहा था, वो भी देख रही थी ऊब रही थी बनाते बनाते, तो मैंने कहा कि अब थोड़ा सा आटा रख दे। मैदा गूंदा हुआ और जो ड्राई फ्रूट्स और खोया का जो मिक्सचर है ना उसको भी मैंने रखवा दिया है, और तो थोड़ा सा आटा भूंज के ना मैं उसमें डाल दूँगी तो वो पंजीरी टाइप का हो जाएगा। तो बस सुबह से यही सब कामों में लगी हुई हूँ, मार्केट गई, मार्केट से थोड़ा सा पूजा का सामान खरीदी वो लेकर आई, और फिर गुजिया के सामान में लग गई। अब मुझे अभी तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ, 4 बज गया, मुझे पूजा करना है, मैं सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा की पूजा करती हूँ आपको पता होगा, तो 2 पूर्णिमा मैं नहीं कर पाई, मुझे लगा अब की भी मैं नहीं कर पाऊँगी बट अब की तो मैं कर लूँगी, तो बस उसी की मुझे तैयारी करनी है, जा रही हूँ धनिया और धनिया सब ये सब जो भी मैं करूँगी वो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही करूँगी। तो मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में ना, हालत ख़राब हो जाती है, ऊपर से कैमरा को सेट करो, हर चीज़ को सही ढंग से अरेंज करो फिर वीडियो बनाओ, क्योंकि अगर सही ढंग से अरेंज करके वीडियो नहीं बनाएंगे ना तो उस पर भी आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स ही आएंगे। फिलहाल अभी तो मेरे वीडियो में कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया, हाँ एक कमेंट्स आया था नेगेटिव, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, तो वही सब चीज़ों में एक होता ना, अगर सिंपल काम करो तो आदमी नहीं थकता, वीडियो भी बनाना, हर चीज़ को अरेंज करना, फिर वीडियो बनाना, उसमें बड़ी थकावट होती है, तो वही सारी हालत ख़राब हो गई है मेरी। हाँ तो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करना, शेयर करना और लाइक जरूर कर देना। ओके बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।